गुड मॉर्निंग माई यूट्यूबर्स फैमिली, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए अनबॉक्सिंग लाइट के लिए, क्योंकि जब हम कैंपिंग पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती है लाइट्स की। तो आज मैं ये कैंपिंग की लाइट लेके आया हूँ। तो ये इस कुछ इस तरह का बॉक्स है, ये ओपन बॉक्स। इसमें जो हमें मिलते हैं सोलर पैनल इस तरह के मिलते हैं, ये देखिए इसको, ये तीन देखो, और ये वाटर प्रूफ है। तो ये आपकी गाड़ी में या बाइक में आराम से इजी टू कैरी हो जाएंगे, बहुत हल्के हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसको धूप में चार्ज करेंगे, वो क्या प्रोसेस होगा अभी दिखाता हूँ। इसके साथ जो मुझे मिले हैं ये तीन बल्ब मिले हैं जलाने के लिए। अगर एक बल्ब जलाऊँगा तो इसका क्या बैकअप रहेगा, आज मैं नाइट में कैंपिंग करूँगा अपने घर पर ही, तो वो दिखाऊँगा मैं आपको। ये डायरेक्ट केबल इस बॉक्स पे लगेगी, इस बॉक्स पे, जिससे ये चार्ज होगा। और इसके अलावा एक USB केबल है यहाँ पे, जिससे आप अपना फ़ोन, पावर बैंक, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स आप चार्ज कर सकते हैं। तो इसको अब हम चार्ज करने के लिए 6 से 7 घंटे लगेंगे इसको चार्ज करने के लिए। हम इसको चार्ज करने के लिए रख देंगे यहाँ पे। तो 6 से 7 घंटे के बाद देखेंगे इसका क्या बैकअप है, आज हम बैकअप चेक करेंगे इसका। तो आप देख रहे हो यार, नाइट हो गई है। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैं सोलर लाइट का ऑप्शन लाया हूँ, क्योंकि नाइट अभी मैंने कैंपिंग करी थी तो आपने देखा होगा नाइट के शॉट नहीं आए मेरे पास, तो उसी के लिए मैं एक सेगमेंट लाया हूँ, एक डिवाइस लाया हूँ, जिससे कि हम नाइट में देख ही रहो आप, ये रोशनी दिख रही है। इसके साथ मेरे पास और भी अटैचमेंट है, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज की जो रात बीतेगी ये कितना बैकअप देता है, क्योंकि हम कैंपिंग से जाते रहते हैं तो नाइट में हमें लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये जो सेगमेंट होने वाला है स्पेशल उनके लिए होने वाला है जो कैंपिंग करते हैं, उनको लाइट का इशू रहता है। तो ये पूरा वीडियो देखना, बहुत अच्छा होना। एंड में इससे रिलेटेड एक वीडियो और आएगा, जहाँ से ये मैंने डिवाइस लिया है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट आज की जो नाइट होने वाली है, मेरे घर के फ्लोर पे ही हम इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाहर नहीं गया मैं, तो इसका पहले हम बैकअप देखेंगे कि कितना देता है। तो आज हम कैंपिंग करने वाले हैं, हम खाना वाना यहीं सोएंगे, सब कुछ यहीं करेंगे, तो आज हम पूरी नाइट यहीं रुकने वाले हैं और देखेंगे ये कब तक लाइट हमें बैकअप देती है। तो अभी हम पूरा सेटअप करेंगे, तो आप देखते रहना, पूरा वीडियो स्किप मत करना, राइट। एक और बल्ब लगा लिया है, तो आई थिंक रोशनी थोड़ी वाइड हो गई है। अभी मेरे पास एक अटैचमेंट और है, वो मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे वैसे तो एक बल्ब से ही मुझे इनफ रोशनी लग रही थी, बट फिर भी मैंने दो लगा लिए कि नहीं, थोड़ा सा जब हम कुछ यहाँ पे सेटअप करेंगे, कुछ खाना वाना बनाएंगे, मैगी वगैरह बनाएंगे, तो आपको अच्छे से दिख जाए। तो रोशनी कैसी दिख रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना यार, कैसी दिख रही है ये। बाकी अभी मैगी बनाते हैं और आज रात इसी टेंट में होने वाली है। ये मेरे हाथ में आप देख ही रहोगे, इससे हम लाइट सजाएंगे। बहुत ही चीप मैं लेके आया हूँ, ये 5 मीटर की है, 70 रुपीज़ की। तो बेसिकली ये आपका जो कैंपिंग है या टेंट जो भी लगाते हैं आप, उसको सजा देता है। अभी मैं आपको लाइट जला के, बहुत ही सस्ता है ये, 70 रुपीज़ का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। ये देखो, ये इस तरीके से लाइटिंग हो जाएगी, मैं इसको सेटअप करके दिखाता हूँ कैसी होगी ये। तो फाइनली हम मैगी बना रहे हैं, भूख भी लग रही है, हाँ, लग रही है। भूख, मैगी मैंने बहुत दिन से मैगी भी नहीं खाई है। तो आज हमारा कैंपिंग का एक्सपीरियंस, मैगी लवर भी नहीं हूँ, संकल्प कर रहा है कि मेरे को मैगी खानी पड़ रही है, खाता नहीं, पर आज हम मैगी खा लेंगे, ठीक है। तो हम जब भी जाते हैं पोहा वगैरह ही खाते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था, हमने पुलाव भी बनाया था बहुत अच्छा। और ये वहाँ की गैस बच गई है जो मैं लेके गया था, ये 150 रुपीज़ का आता है, जैसे मैंने पहले बताया भी था आपको। तो इसी तरह से फिर से हम इसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हवा ज़्यादा चल रहा है, तो जो हमने पहाड़ों पर पत्थर रखे थे साइड पर, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आप थोड़ा सा ऐसा जुगाड़ करके चलें कि यार चारों तरफ से ना थोड़ी हवा कम आए। लाइट जो हमने लगाई है, दो बल्ब लगाए हैं, तो इसका बैकअप देखना पड़ेगा कि कितना दिया है। तो आप इसका जो मेरा मेन मोटो ये था कि हम, मैं भी कैंपिंग करता हूँ तो मुझे भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, कैंप में कहीं भी फंस गए रात को, या आज हम राइड करते हैं, लास्ट आपने वीडियो देखा जंगल में फंस गए, अगर उनकेस अनटिल हमें कुछ नहीं मिलता शेल्टर के लिए, तो हमारे पास इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए जो कि सोलर पावर से
चार्ज होती है, मैंने वो सेटअप लिया है। तो इसका रिव्यू मैं कल सुबह बताऊंगा कि कितना दिया, और फिलहाल हम मैगी खा रहे हैं और मैगी खाने के बाद तुरंत हम सो जाएंगे और उसके बाद सुबह मिलेंगे कि कितना इसने पावर बैक दिया है, कितना पावर बैकअप दिया है। तो फिलहाल मैगी खाते हैं और इन्जॉय करते हैं ये सेटअप को, और कल सुबह मुलाकात होगी। फिलहाल हम इस मैगी को खाने सोने जा रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखना, तभी पता चल पाएगा कि इसमें क्या प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है। तो हैव अ नाइस मैगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख ही रहे हो कि सुबह हो गई है, लेकिन हमारा जो सेटअप था लाइट का वो अभी भी जल रहा है। ऑलमोस्ट 11 घंटे हो चुके हैं। कुछ देर के लिए मैंने 2 बल्ब जलाए थे और फिर मैंने हटा दिया था उसको, क्योंकि मुझे नाइट पूरा निकालना था, तो मैंने 1 बल्ब हटा दिया। बट आप देख सकते हो अभी लाइट नहीं है और अभी धूप निकली भी नहीं है, और जो मेरा बल्ब है वो अभी भी जल रहा है। ये देखो, बल्ब अभी भी जल रहा है। तो जो इसका एक्सपेरिमेंट था एकदम सक्सेस रहा। ऑलमोस्ट 11 घंटे हो चुके हैं और अभी भी जल रहा है। मुझे नहीं पता कि ये कब तक और जलेगा, बट मैंने 7:30-8 बजे के आसपास शुरू किया था और ऑलमोस्ट अभी 7:30 बजने वाले हैं। तो अगर सर्दियाँ भी हों, अभी तो समर है, अगर सर्दियाँ भी हों तो भी इतने टाइम पे मॉर्निंग या सूरज हो ही जाता है। तो मुझे ये बेस्ट लगा अभी तक का, ये मेरे को जो सेटअप लगा लाइट का बेस्ट लगा। इसका एक वीडियो भी आएगा जहाँ से मैंने लाइट ली है, इसका पूरा आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। तो आज के लिए यही था कि कैंपिंग के लिए जाए तो जो मैंने सेटअप लिया ये आप भी लगा सकते हैं। आई होप ये आपको एक्सपेरिमेंट पसंद आया, और कमेंट ज़रूर करके लिखें कि आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा लाइट के हिसाब से। और नेक्स्ट वीडियो तो आने वाला है, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।